हाय, मैं हूँ अमृता। आज की कहानी में हमें बताया गया है कि मार्केट में एक ऐसी दवाई आती है जिसे लेने से हम इंसानों के असली चेहरे देख सकते हैं। कहानी की शुरुआत में ऑफिस में हम रॉबर्ट टर्नर को देखते हैं, जो कि काफी उदास और खोया हुआ था। तभी उसके मैनेजर के साथ उसकी मीटिंग चल रही थी, जहाँ पे मैनेजर उसे बताता है अभी कंपनी की हालत बहुत ही खराब चल रही है, जिसके चलते कुछ लोगों को निकाल दिया जाने वाला है और रॉबर्ट उन्हीं में से एक है। अब ये सुनते ही रॉबर्ट काफी हैरान होता है, क्योंकि वो काफी सिंसियर ऑफिसर था, जहाँ पे बाकी लोगों की तरह ना तो उसने सीक डे लिए थे और ना ही टाइम पास किया करता था। अपने ही काम में रहता था और बिना पैसे के ओवर टाइम भी किया करता था। और वो मैनेजर के साथ आर्ग्यूमेंट करने लगता है, लेकिन उसकी कोई भी बात मानी नहीं जाती और उसे कंपनी से जाना पड़ता है। और इस चीज से वो काफी ज्यादा डिप्रेस होने लगता है। अब इसी टेंशन में वो कई दिनों तक घर में था, किसी भी चीज में उसका ध्यान नहीं लग रहा था और अक्सर खोया खोया रहता था। और हाल ही में कुछ दिनों से तो जब वो टीवी या कंप्यूटर के सामने बैठता था, तब उसके सर में काफी दर्द होने लगता था। इसीलिए वो एक डॉक्टर के पास जाता है चेकअप के लिए, और डॉक्टर उसे पूछते हैं कि क्या तुम्हारे साथ इसके अलावा और कोई अजीब चीज हुई थी। तो वो कहता है कि कुछ दिनों पहले मेरा जॉब गया था और तभी से ये सारी चीजें होने लगी है। अब डॉक्टर उसे मार्केट में आई हुई एक नई दवाई देते हैं, जो दूसरे देश में बनी हुई थी और उसकी टेस्टिंग अभी तक हुई नहीं थी। और रॉबर्ट को कहते हैं इसे लेते ही तुरंत तुम बहुत ही ज्यादा स्फूर्तिला फील करोगे और सारी चीजें फटाफट कर सकते हो। अब रॉबर्ट बिना सोचे समझे वो दवाई का प्रिस्क्रिप्शन ले लेता है और शाम को ही वो एक दवाई ले लेता है, जिसके बाद वो टीवी देखने के लिए बैठ जाता है। लेकिन तभी वो देखता है टीवी पर पॉलिटिकल न्यूज चल रही थी और प्रेसिडेंट के आसपास के जितने भी इंसान थे वो अजीब से क्रीचर में उसे दिखाई देने लगते हैं, जिनका सर अलग ही क्रीचर का था और शरीर इंसानों जैसा था। वो चैनल चेंज करके देखता है, लेकिन उसे वैसे ही लोग दिखाई देते हैं। वो काफी कंफ्यूज होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। इसी दरमियान उसकी कलीग और दोस्त एलेन उसके घर आती है उसकी हालत देखने के लिए। तभी रॉबर्ट उसे वो क्या देख रहा है बताता है और कहता है कि मुझे अजीब से क्रीचर टीवी में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात ये है कि एलेन को वहाँ पे सारे इंसान दिखाई दे रहे थे। एलेन उसे कहती है कि तुम शायद पूरा दिन घर में बैठे हो, इसीलिए कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी, क्यों ना तुम बाहर जाके थोड़ी फ्रेश हवा ले लो। और एलेन खुद ऑफिस के लिए निकल जाती है। अब वो जाने के बाद रॉबर्ट भी बाहर घूमने के लिए जाता है, तभी एक होमलेस इंसान को देखता है जो रॉबर्ट के पास आकर बड़बड़ाई जा रहा था कि ये लोग काफी सालों से अर्थ पे रह रहे हैं, हर जगह पे ये लोग मौजूद है और यही लोग पूरी दुनिया को चलाते हैं और धीरे धीरे इंसानों को खत्म करने वाले हैं। रॉबर्ट उस आदमी को इग्नोर करके आगे बढ़ता है, लेकिन हैरानी की बात ये है कि अब उसे रास्ते पर भी वही चेहरे के क्रीचर दिखाई दे रहे थे, जिनके मुंह से अजीब अजीब टेंटिकल्स निकल रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक वो मीट ट्रक देखता है, जहाँ उसे लगने लगता है कि ये लोग इंसानों को मार कर उन क्रीचर को खिला रहे हैं। वो काफी डर जाता है और एलेन को कॉल करने लगता है, लेकिन उसका फोन नहीं लगता। अब रॉबर्ट डरते हुए घर आता है। अब शाम को एलेन जब उसके घर आती है, तब रॉबर्ट अकेले अंधेरे में बैठा हुआ था। वो उसे पूछती है कि वो ऐसा क्यों बैठा है। तभी रॉबर्ट कहता है कि वो आज बाहर गया था गार्डन में घूमने, लेकिन आसपास वो वैसे ही लोगों को देख रहा था जैसे टीवी में उसने देखे। उनके मुंह से अजीब अजीब टेंटिकल्स बाहर आ रहे थे, लेकिन उनका शरीर इंसानों के जैसा था। ये सब लोग एलियन क्रीचर है जो धीरे धीरे इंसानों को खत्म कर रहे हैं। एलेन इसकी बात नहीं मानती और कहती है कि उसे आराम करना चाहिए, लेकिन वो कहता है कि ये सारी सच्चाई मुझे ये दवाई लेने के बाद ही पता चली है। और वो एलेन को भी वो दवाई लेने के लिए कहता है, हालांकि एलेन मना करती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये दवाई का ही साइड इफेक्ट है और रॉबर्ट को दूसरे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लेकिन रॉबर्ट कहता है कि ऐसा नहीं है और एलेन को वापस से दवाई लेने के लिए कहता है और कहता है कि इस दवाई से हमें अर्थ की रियलिटी समझ आती है, हमारे आसपास लोग नहीं हैं और उनके असली चेहरे हमें समझ आते हैं। जब एलेन वापस से मना करती है, तब वो उसे जबरदस्ती दवाई खिलाने लगता है। ये देख एलेन कैसे तैसे छूट कर वहाँ से भाग निकलती है। अब रॉबर्ट वापस डॉक्टर से मिलने के लिए आता है, लेकिन वो देखते हैं डॉक्टर के बजाय एक एलियन नर्स वहाँ पे थी जो किसी की सर्जरी कर रही थी। ये देख कर वो डर कर वहाँ से भाग जाता है और भाग कर अपने ही घर की तरफ आ रहा होता है। लेकिन वो देखता है कि उसे देख कर पुलिस की गाड़ी रुक गई है और पुलिस से भी एलियन लाइक क्रीचर बाहर निकलता है और उसी की तरफ आने लगता है। सरप्राइज की बात ये थी कि पुलिस शॉटगन लेकर इसके पीछे दौड़ने लगते हैं, मानो उन एलियंस को पता चल गया है कि रॉबर्ट अब
सब जानता है, इसीलिए उसे मारने आ रहे हैं। रॉबर्ट सुनसान गली में एक जगह पे छुप जाता है और जैसे ही वो एलियन क्रीचर उसके पास आता है, रॉबर्ट उसे पंच मारकर नीचे गिराता है। वो पास देखने जाता है, वो क्रीचर अभी भी जिंदा था, इसीलिए एक पत्थर लेकर उसे वो मार देता है और उसकी गन लेकर वो अपने पुराने ऑफिस जाता है, क्योंकि एलियन भी वहीं पे काम करती थी। वहां जाते ही वो एलियन को पुकारने लगता है। सब लोग उसके हाथ की गन देखकर काफी डर जाते हैं। एलियन भी काफी डरी हुई थी, इसीलिए सामने नहीं आती। तभी एक इंसान रॉबर्ट के नीचे गिर जाता है और रॉबर्ट देखता है कि वो इंसान नहीं बल्कि एलियन ही है, इसीलिए वो उसे शूट कर देता है। लेकिन जो आसपास के लोग थे, जो उनके लिए यही था कि रॉबर्ट अनजान लोगों को शूट किए जा रहा है, और वो आगे बढ़ते हुए ऑफिस में जितने भी एलियन जैसे क्रीचर्स है उन्हें मारता है और एलियन को पुकार रहा था। तभी उसकी नजर अपने पुराने बॉस पर जाती है जो कि बिल्कुल इंसान था। वो उसे गन पॉइंट पे रखता है और एलियन को बुलाने लगता है, और तभी एलियन डरते हुए बाहर आती है और रॉबर्ट उसे दवाई लेने के लिए कहता है। लेकिन एलियन कहती है कि देखो, तुम जो भी कुछ देख रहे हो वो इन्हीं दवाई का साइड इफेक्ट है, क्योंकि वो दवाई सही तरीके से टेस्ट नहीं की गई थी और ऐसे काफी सारे पेशेंट्स के साथ हो रहा था, इसीलिए लोगों ने कंप्लेन कर दी थी और उस डॉक्टर को भी अभी अरेस्ट कर दिया गया है। सारे न्यूज में यही खबर चल रही है और आगे कहती है कि रॉबर्ट जो देख रहा है वो रियलिटी नहीं है, उसे वो दवाई लेना बंद करना होगा। लेकिन रॉबर्ट मना करता है और कहता है कि वो बस एक दवाई ले ले, वरना वो इस बॉस को मार डालेगा। अब काफी फोर्स करने के बाद एलियन वो दवाई ले लेती है और रॉबर्ट वहां से चुपचाप रूफ पर चला जाता है। तभी वो देखता है काफी सारी पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इसी बिल्डिंग की तरफ उसे पकड़ने के लिए आए है। इतना ही नहीं, हेलीकॉप्टर से भी उसके ऊपर निशाना ताने पुलिस है। अब रॉबर्ट काफी डरने लगता है, कांपने लगता है और वो उसी बंदूक से खुद को मारने जाता है, लेकिन उस शॉटगन की बैरल खत्म हो गई थी और वो खुद के ही नसीब पर हंसने लगता है। और देखते देखते वहां पे पुलिस आ जाती है और उसे पकड़ लेती है। तो वही नीचे पुलिस सबका बयान ले रही थी और हम एलियन को देखते हैं जो काफी कंफ्यूज थी कि बस दो दिन में रॉबर्ट ऐसे कैसे बदल गया। तभी उसने ली हुई गोलियों का असर शुरू हो जाता है और वो अपने बॉस को एलियन क्रिएचर में देखती है और काफी डर जाती है, और यही पे ये शॉर्ट फिल्म खत्म होती है। सो यहाँ पर क्लियरली रॉबर्ट हेलुसिनेट कर रहा था, क्योंकि वो खुद जब अपने बॉस को देखता है तब वो इंसान था, एलियन क्रिएचर नहीं था। लेकिन जब एलियन गोली लेती है तब वो अपने बॉस को भी एलियन के रूप में देखती है, यानी कि हर इंसान के लिए ये दवाई अलग अलग काम करती थी और इन्हीं के चलते सब लोग हेलुसिनेट कर रहे थे। ये शॉर्ट फिल्म दरअसल दे लिव इस मूवी से इंस्पायर्ड की गई है, जहाँ पे एक्चुअल में एलियन अर्थ पर इंसानों के बेस में रह रहे थे और एक गॉगल के मदद से मेन एक्टर को ये सारे एलियंस दिखने लगते हैं और कैसे वो मेन कैरेक्टर उन एलियंस को मार देता है, उसी की ये कहानी है। अगर आप दे लिव इसका एक्सप्लेनेशन देखने में इंटरेस्टेड हो तो उसके लिंक भी मैंने नीचे दी है, उसे जरूर देखिएगा। मैं मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।